आई थिंक आप लोगों की स्टडी प्रॉपर वे में चल रही होगी। कुछ प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक है उसकी मुझे अलग से वीडियो बनानी है तो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। पहले मैंने इस बात के लिए कहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है कोई अलग से, तो मैं उसके लिए अलग से भी बना दूंगी मैं। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये मेरा आपका 12th लेक्चर है। इससे पहले मैंने हर एक टॉपिक का जो मैंने APGP आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर हो गई होगी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दिए थे GP के, उनका फिर सॉल्यूशन निकाला था, उससे पहले AP के थे। तो मैंने APGP बहुत अच्छे से आपको अलग अलग वीडियो बना के क्लियर कर दिया है। और कुछ है आपको प्रॉब्लम तो आप कॉमेंट करिएगा, मैं देखती हूँ आपकी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंपटीशन लेवल में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दे रही हूँ मैं। वैसे मेरी उसमें तो हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक को प्रॉपर वे पे करना है, चाहे स्कूल लेवल पर या कंपटीशन लेवल पर है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कंपटीशन में उनमें से क्वेश्चंस आने ही 100% आने और काफ़ी आने हैं, और वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, जिसमें से कि सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है। तो APGP क्लियर हो चुकी है, अब ये है इसमें बताऊंगी आपको मैं AGP। AGP मतलब AP एंड GP दोनों मिक्स। तो जो कुछ मिसलेनियस सीरीज होती हैं उसमें AP एंड GP दोनों होती हैं, या कुछ अभी सीरीज ऐसे भी उसमें AP है तो GP नहीं है, GP है तो AP, मतलब मिक्स है, मिसलेनियस है, हम समझ नहीं पाते सीरीज कौन सी है वो। तो उसका भी मेथड एक होता है सॉल्व करने का। इसमें AGP में जो मेथड मैं आपको बताऊंगी उस मेथड से कोई भी सीरीज है हर सीरीज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका आप लोग सम निकाल सकते हैं। ये मेथड हर एक सीरीज के लिए फॉलो हो जाता है। उसको एक्चुअली यदि AGP में तो हम उसको ना क्रिएट करते हैं, फिर GP में उसमें हम ले आते हैं, उसके बाद करते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं फिर आपको इस बात को समझेंगे आप लोग। तो AGP क्या हुआ, देखिए AP आपको मालूम है, ये AP हो गया, ये GP। AP मतलब कॉमन डिफरेंस है, GP मतलब कॉमन रेशियो। AGP क्या होगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया APGP को, तो ये वाली जो हमारी सीक्वेंस बनी ये हो गई AGP। तो देखिए किसी सीक्वेंस का एंथ टर्म तो हम लोग इसलिए इसका भी एंथ टर्म निकालना बहुत इजी है। एंथ टर्म क्या हुआ कि ये वाली देखिए इस पे देखना है क्या हो रहा है कि डी क्या है हमारा, n-1 है, तो ये तो क्या हो गया AP वाली का हो गया। ये वाले में क्या देख रहे हैं BRn-1, तो ये एंथ टर्म हो गई इसकी। तो एंथ टर्म निकालनी है तो हम इजिली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेन सब सम निकालेंगे, प्रॉब्लम होगी सम में। सम के लिए ये वाला जो मेथड बता रही मैंने बताया ना, और सीरीज को भी जो मिसलेनियस जितनी भी सीरीज है सब में हम इस वाले उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, आर रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये वाला इसके नीचे आ गया, ये BR² बन गया। जब हमने आर से मल्टीप्लाई कर यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ABR हो गया, BR² हो गया, और ये वाला क्यूब हो जाएगा। तो हमने उसी के नीचे लिखा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर BR^n हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए माइनस करने पे क्या होगा, यहाँ पर तो आ गया 1-R(S), ये AB इसी तरह आ गया। यहां जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए ABR तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा DBR। ये देखिए ना इसको मल्टीप्लाई करा क्या आया, यहाँ ABR+DBR, तो ABR तो कैंसिल आउट, क्या आ गया DBR। इसमें से जब इसको हम करेंगे माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, ये आपका DBR² बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, DBR³ आ जाएगा यहां पर, ये एंड सो ऑन। इसी तरह इसको करेंगे तो आप खुद देखेंगे यहां पर ये जो अब आई माइनस करने के बाद में ये GP में आ गई। देखिए यहां पे करा ये क्या है, DBRn-1 यहां पे आ गया। लास्ट में ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई जो आखिरी वाली थी। ये देखिए दोबारा देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसके नीचे वाली मैंने लिखी नहीं है, इसके मैंने बाद में मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखी, तो ये किसी से माइनस नहीं होगी क्योंकि यहाँ BR^n है, यहाँ पे B, तो ये वाली यहाँ अलग आ गई। अभी मैं क्वेश्चन करा तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आ गई, अब इसके बाद में मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको। तो देखिए अब यहाँ पर ये किस में आ गई, देखिए ये आ गई GP में। तो 1-RS इक्वल्स टू यहां पर देखेंगे AB, और यहां पे फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे इसका GP वाला। देखिए ये सब GP में आ गई, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, R है, कॉमन रेशियो R है। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, DBR,
एंड वन माइनस आर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर माइनस वन. बिकॉज देखिए टर्म कितनी है, ये टर्म ये है आर माइनस वन है. देखिए वन आ गई, टू आ गई, थ्री, एंड वन से कहां तक है, आर माइनस वन, ये टर्म है ये. और ये यहां पर इसी तरह से आ जाएगा, ये वाला माइनस, ये पूरा की पूरा ऐसे आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन बी इंटू बी आर, ये ऐसे ही आ गया. तो यहां से यहां तक ये क्या हो गई, जीपी हो गई. देखिए माइनस क्या हुआ, ये आपस में माइनस हुए, ये वाले माइनस हुए, एंड ये जो नीचे माइनस हुआ वो वाला अलग आ गया. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर ये आ रहा है यहां पर एस इक्वल्स टू ए बी, यहां वन माइनस आर आ गया, प्लस डी बी आर वन माइनस आर एन माइनस वन अपॉन यहां वन माइनस आर स्क्वायर हो गया, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी रेज टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर. अब आप सोचोगे इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा. देखिए फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मेन आपको इसमें प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है. ये जो इस टाइप की मिसलेनियस जो हमारी सीरीज है, इसमें जो मैं एजीपी बता रही हूँ, ये मिसलेनियस सीरीज है, मेन आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है इसमें, कि क्या करा हमने, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में हमने माइनस करा, माइनस करने के बाद में हमने देखा वो जीपी क्या गया. देखिए यहां से यहां तक जीपी थी, तो ये ए बी ऐसे आ गया, यहाँ पर जीपी था, इसकी फर्स्ट टर्म ये थी, कॉमन रेशियो कितना था इसमें आर था, पावर कितनी है एन माइनस वन है, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाली टर्म इसी तरह से आगे बाद वाली, और उसके बाद में नॉर्मल सॉल्व कर दिया. तो इससे आप कोई भी कर सकते हैं. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ, मैं थोड़ा और अच्छे से फिर क्लियर होगा आपको. तो अब ये देखिए एग्जांपल है, इसमें हमने क्या देखा, ये जो सीरीज है ये एजीपी का एग्जाम्पल है. इसमें देखिए एपी, ये वाली एपी और ये जीपी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनी है, तो ये एजीपी होगी. क्या इसमें हमने बताया था मैंने आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है. इससे मैंने क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर हमने क्या, पहले मल्टीप्लाई करा, उसके बाद फिर क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. तो क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया. ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करा तो देखिए हमने क्या करा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी है, ये लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हमें लिखनी, इस बात का हमें ध्यान रखिएगा, जिससे हमें माइनस करने में ईजी हो जाए. तो हमने लाइक टर्म ने लाइक टर्म लिखी और ये निकल कर आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें मालूम पड़ गया ये किसमें है, ये जो इसमें जो मल्टीप्लाई करके आई वो किसमें है, ये जीपी में है. तो अब यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, वन माइनस एक्स एस. जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो देखिए पूरी टर्म वहां तक मारी किसमें, जीपी में, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो एक्स है, टर्म कितनी है इसमें एन है, माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन. तो आप ये सोचेंगे कि इसमें एन टर्म कैसे हैं, और यहां आगे क्या बचाइए, माइनस एन एक्स एन, ये बात में आगे माइनस बच गया. तो अब आप सोचेंगे एन टर्म, वहां तो एन माइनस वन, देखिए एनी टर्म है, एन माइनस वन देखिए पावर है, एक टर्म ये हो गई, तो ये टोटल एन टर्म है देखिए. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला लग गया. अब कैसे करेंगे इसमें, एस इक्वल्स टू वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन, इसको नीचे ले जा लेंगे, ये देखिए एक्स प्लस वन है, ये वन माइनस एक्स है, तो इसमें से क्या करेंगे, यदि माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन, तो यहां हम आगे माइनस लगा देते हैं, वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर. ठीक है, अब यदि माइनस को हटाना है, और माइनस एन एक्स रेज टू द पावर एन, माइनस हटाना, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, एक्स इक्वल टू यहां पर लिख देंगे वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एन रेज टू द पावर एक्स एन रेज टू पावर एन. तो देखिए कितना इजी हो गया, ये क्या करा हमने, पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा,
आफ्टर दैट हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के बाद देखा कि वो किस में आ गई, वहाँ से यहाँ तक हमारी किस में आ गई, जीपी में आ गई, हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर हमारा निकल कर आ गया। अब सपोज ये यही वाली टर्म यदि इन्फिनिटी तक होती और उसका हमें सम निकालना होता तो देखिए हम कैसे कर। तो अब ये सीरीज देखिए इन्फिनिटी तक बन गई, तो सेम प्रोसीजर है, क्या करा हमने पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए इन्फिनिटी तो कितना भी ऐड कर लो कुछ तो इन्फिनिटी आएगी, तो इसलिए आगे इन्फिनिटी ही लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके भी। उसके बाद में हमने माइनस करा, माइनस करके ये आया आगे इन्फिनिटी, आगे कुछ लिखने की टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, हमें पता चल रहा है जीपी में है, फॉर्मूला लगाया। इन्फिनिटी का क्या होता है सम का फॉर्मूला, यहाँ एस इन्फिनिटी लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म वन है अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। तो एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इन्फिनिटी तक का तो सब निकालना और ज्यादा इजी है, करना हमें वही है प्रोसीजर लगातार वही बोल रही हूँ, पहले हम क्या करेंगे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जीपी में आ रही, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ये तो हालांकि पूरी की पूरी जीपी में आ गई थी, एन वाले में खाली एक लास्ट टर्म बची थी। तो अब हम एक क्वेश्चन और एजीपी का करते हैं। एजीपी का क्वेश्चन है कैसे, हमने देखा देखिए ऊपर तो यहाँ पर 1 + 4 + 7 + 10 n तक है ये एपी में, नीचे देखिए किससे मल्टीप्लाई है, 1 + 1/5 + 1/5² + 1/5 यही है। तो नीचे वाला ये देखिए हुआ एपी ये हो गई जीपी। तो अब हम इसका एंथ टर्म तक का सम कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी तक का तो बहुत आसान है, एंथ टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं हमें। हम पहले एंथ टर्म के लिए, एंथ टर्म नहीं गिवे है तो एंथ टर्म हम बना लेंगे, कैसे बना लेंगे मालूम ही है क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, ए क्या है इसमें वन है, एन कितने हैं नहीं मालूम, डी कितना है 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंथ टर्म क्या आ गया यहाँ पर 3n - 2, और जीपी के अंत टर्म क्या हो जाएगी 1/5 n - 1। तो ये जीपी की आ गई टर्म, क्लियर। तो ये जीपी वाली आ गई, अब हम अंत टर्म आ गई। तो अब मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या करते हैं, जो कॉमन रेशियो हमारा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने किससे करा, 1/5 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां पर ये वाला यहां पर आ जाएगा 1/5 वाला सेम वाला ले ली, यहाँ पे 1/5 हो गया, यहाँ पे 4/5² आ गया, यहाँ पर आ गया 7/5³, सो ऑन। अब इसको आगे देखेंगे 3n - 2 है यहाँ पर ये, तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसके आगे वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, यहाँ जो है सो है 3n - 2/5, क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4/5 n, 4/5 sn, और यहां पर आ गया 1, ये इसमें से माइनस हुआ तो क्या बचा यहां पर ये 3/5, यहां हम लोग माइनस करेंगे तो यहां पर अगेन 3/5² 3/5³ and so on। तो मिस क्या आएगी, नीचे पावर क्या आएगी 3, ऊपर न्यूमरेटर तो 3 रहेगा और पावर क्या है 5 की एक एक इंक्रीज होती रहेगी नीचे वाली, ठीक है। एक तरह से 1/5 में तो पावर हमारी माइनस में क्या छोड़िए, तो क्या होगी यहां पर ये इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो तो लगातार 3 आ रहा है, जो नीचे पावर हमारी है वो हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, एंड सो ऑन। यहां पर क्या आ जाएगा ये 3/5 n आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये वाली हो गई 3n - 2/5 n, ठीक। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक किस में आ गई, जीपी में आ गई, आगे जीपी में ये हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, 4/5 1, 3 को इस पूरे में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने पर क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना हम लोगों को, अंदर क्या बचेगा 1/5 + 1/5²
नहीं भी लेंगे तो भी काम चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव एन, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, तो ये देखिए यहां से यहां तक जीपी है, क्योंकि 4 अपॉन 5 एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस 3। आप सोचेंगे 3 अपॉन 5, देखिए 3 अपॉन 5 कॉमन लेते तो यहाँ पे n माइनस 1 आता, 3 अपॉन 5 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में फर्क कुछ नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन 5, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 5, 1 माइनस r कितना है 1 अपॉन 5, पावर इसकी n हो गई अपॉन 1 माइनस आर, माइनस 3 एन माइनस 2 अपॉन 5 रेस टू द पावर n। नीचे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5। अब इसको इधर ले जा लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 आ गया, यहां पर ये सॉरी 5 अपॉन 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया ना, प्लस यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 अपॉन 4 हो जाएगा, और अंदर इसको सॉल्व कर ही लेंगे, यहाँ 5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा, कटिंग भी कर सकते हैं 5 से 5 की, सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। इसी वाले सीरीज का यदि मैं इन्फिनिटी तक का हमें सम निकालना आएगा, तो पहले तो वही कॉमन रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 5 क्यू एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। उसके बाद में वही माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 5 एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 क्यू इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी कैसे फॉर्मूला लगा लेंगे, चाहे 3 अपॉन इसको कॉमन ले लीजिए 5 को, चाहे मत लीजिए, डायरेक्ट अब की बार में विदाउट कॉमन ये देखिए करती हूँ मैं, क्या फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी का, इसमें a कितना है 3 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r कितना है इसमें 1 अपॉन 5। ये देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन्फिनिटी तक का यहाँ पर sn की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक का हमें सम आ जाएगा। तो देखिए सीरीज को इस टाइप की जो मिसलेनियस वाले सीरीज को, अभी तो फिलहाल सिर्फ मैंने आपको AGP वाली कराई है, अब मैं AGP थोड़ा सा डिफरेंट वाली भी कराऊंगी और भी सीरीज कराऊंगी, वहाँ पर भी इसी तरह से क्या करेंगे हम, उसमें जो कॉमन रेशियो देखेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद में फिर हम देखते हैं वो GP में आ जाती है, उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, तो ईजी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और, अभी तो सिर्फ मैंने समझाया सिर्फ आपको किस तरह से करते हैं, इसलिए दो ही क्वेश्चंस कराए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।